जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि अभी जो बहस, पहला जो बहस हुआ था, उसमें समझ लीजिए कि किसी का पक्ष जो है वो हाईली नहीं गया। कहने का मतलब है कि जो कॉन्टेक्ट बेसिस है उनका भी पक्ष जो है काफी मजबूत रहा, और सीबीटी क्वालिफाई का जो पक्ष रहा उनका भी काफी स्ट्रांग रहा। मतलब दोनों 50-50 के कगार पर हैं। दोनों के तरफ से जो भी एडवोकेट साहब ने अपना अपना प्रस्ताव रखा, अपना अपना जो उनके पास एविडेंस था, काउंटर एफिडेविट को भी आज भी प्रस्तुत किया गया, और उसके जरिए उन लोगों ने जो भी बातें रखा, लगभग दोनों अभी बैलेंस इक्वलिटी पर है। और अभी दोबारा उसमें तो बात चला था काउंसलिंग का। पहला जो बहस हुआ उसमें काउंसलिंग की बात रखी गई थी, ठीक, कि हाँ काउंसलिंग बेसिस पर होना चाहिए जो कॉन्टेक्ट बेसिस वाले हैं उनके एडवोकेट के मुताबिक। लेकिन अभी सीबीटी क्वालिफाई का फिर से दोबारा बहस चल रहा है, अभी बहस चल ही रहा है, ठीक है। और उसमें समझ लीजिए कि इस बार जो बहस चल रहा है, इसमें सीबीटी क्वालिफाई के पक्ष में बात रखी जा रही है कि एग्जाम बेसिस पर होना चाहिए, ठीक। एग्जाम बेसिस की बात बिहार सरकार के एडवोकेट हैं और जो एलपीए हैं वो सभी, चूंकि आपको मालूम है कि सारे केसेस को मर्ज किया गया है, और सभी एडवोकेट जो एग्जाम का समर्थन कर रहे हैं बिहार सरकार के साथ जो है, सभी लोगों का प्रस्ताव यही है कि एग्जाम बेसिस के आधार पे मेरिट की बात होनी चाहिए। तो इसमें सीबीटी क्वालिफाई के तरफ से जो भी एडवोकेट है वो लोग अपना एग्जाम का समर्थन कर अपने बहस को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बार अभी अपडेट जल्द ही मेरे पास कुछ ही क्षणों में या कुछ ही मिनटों में, वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा। बने रहेंगे स्टैंड बीपीएससी के साथ, पूरा ऑथेंटिकली जानकारी दूंगा, पूरा ऑथेंटिक रूप से जो हुबहू कोर्ट में पेशगी दायर हुआ, जो बहस चला, उस सारे बातों को मैं आपके समक्ष रखूंगा। कुछ एविडेंस है, हाँ, उस एविडेंस को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो बातें हैं वो बातें मैं जरूर बताऊंगा कि हाँ क्या क्या हुआ और किसके पक्ष में कितना गया। अभी जो बहस चल रहा है वो सीबीटी क्वालिफाई के पक्ष में एग्जाम बेसिस का बात किया जा रहा है, अभी बहस चल रहे हैं। तो जैसे इसका अपडेट खत्म होता है, बहस खत्म होता है, फिर मैं आपको जल्द एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूचित कर दूंगा। और बने रहे बीटीएससी से खबरों की जानकारी के लिए, इंस्ट्रक्टर हो चाहे बीटीएससी से कोई भी न्यूज हो, स्टैंड बीपीएससी पर हम जरूर बताते हैं और अपडेट देते रहते हैं। टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।